इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज में आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज कवर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंटर देंगे। आप सबने सुना होगा थेरी एप्लीकेशन के बारे में। थेरी एप्लीकेशन के बारे में, इसके बारे में आपको इंटरनेट पे भी काफी वीडियोस मिल जाती हैं, टीचर्स भी पढ़ाते हैं, मेंटोर्स भी बताते हैं, लेकिन जब हम हेनरी नो को पढ़ते हैं, इसकी किताब परस्पेक्टिव्स ऑन आईआर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड सोर्स है फॉर थियर्स प्रिपरेशन, इवन टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल, टू लर्न द आर्ट ऑफ थ्योरी एप्लीकेशन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। एनी हाउ वी वर टॉकिंग अबाउट दैट देयर इज समथिंग एल्स that is different from the traditional concept of the theory application in the handwriting. What's that? हमने ये तो पता है कि जब आपने थ्योरी अप्लाई करनी है तो आपने रियलिज्म को अप्लाई करना है, सिस्टम लेवल पे करना है, डोमेस्टिक लेवल पे करना है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे करना है। इसी तरह से आप अपनी आइडेंटिटी की थ्योरी, अपनी लिबरलिज्म की थ्योरी को अप्लाई कर, बट आपने देखा होगा कि उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, और उसके अंदर वो क्या करता है, एरो पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर, इसको कहता है कैजुअल एरो पर्सपेक्टिव। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ये कैजुअल एरो पर्सपेक्टिव क्या है, और ये अगर आप अपने पेपर में ऐड करते हैं तो इट इज अ वैल्यू एडिशन That will give you an extra mark. This is में जो गेम है वो कॉम्पिटिशन की, आप अपने पेपर को कैसे डिफरेंट बनाते हैं, कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो इसके लिए इस किस्म की जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी होती है। जो एरो पर्सपेक्टिव है ये कोई मुश्किल चीज, हम एरो जनरली कब ड्रॉ कर रहे हो, किसी डायरेक्शन में कोई इवेंट डिस्क्राइब करने के लिए, राइट, पॉइंट ए या इवेंट ए इज कॉजिंग द इवेंट बी एंड दैट इज लीडिंग टू द इवेंट सी। इसीलिए एरो ड्रॉ किए जाते हैं। तो कहीं आपने आईआर को कॉम्प्लिकेट नहीं कर, आप यही बात समझें कि इसमें हम तीन आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स आपके इस तरह से होंगे कि जो आपका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होगा ये ड्राइविंग आर्ग्यूमेंट होगा। आप जिस बात पे ज्यादा कन्विंस होंगे, जिस आर्गुमेंट पे ज्यादा कन्विंस होंगे, या जो आर्गुमेंट स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कन्विंसिंग होगा, अथॉरिटेटिव माना जाता होगा, दैट विल बी योर ड्राइविंग आर्गुमेंट। दिस आर्गुमेंट विल लीड टू अनदर आर्गुमेंट एंड इट विल कॉज थर्ड। फॉर इंस्टेंस, जब हम कहते हैं कि साउथ एशिया की अगर हम एग्जांपल ले लें, साउथ एशिया में पीस क्यों नहीं, साउथ एशिया की में पीस नहीं है, मिलिट्राइजेशन क्यों है, इंटरडिपेंडेंस क्यों नहीं है, रीजनलिज्म क्यों नहीं है, इस बात को अगर हम बयान करें तो हम इस तरह से बयान कर सकते हैं क्योंकि साउथ एशियन नेशंस जो हैं दे हैव व्हाट द आइडेंटिटी ऑफ
एनिमोसिटी, राइवलरी, आपस में राइवलरीज हैं, ये कंस्ट्रक्टेड हैं, हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड हैं। क्योंकि उनके इन कंट्रीज की नॉर्म्स का एक हिस्सा बन चुकी, ठीक है। अब ये किसी आइडियोलॉजी का होना, किसी आइडिया का होना या किसी नॉर्म का होना, ये क्या है? ये कंस्ट्रक्टिविज्म, ये क्या है? ये कंस्ट्रक्टिविज्म। आइडेंटिटी की वजह से क्या होता है, हमें आर्म रेस नजर आती है, मिलिटराइजेशन नजर आती है, या आप कह सकते हैं हमें पावर पॉलिटिक्स होती नजर आती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, नो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, नो ट्रेड, अगर है भी तो मिनिमम है। आर्म रेस का होना, मिलिट्राइजेशन का होना, पावर पॉलिटिक्स का होना किसको डिनोट करता है? रियलिज्म को। और इकोनॉमिक इंटर डिपेंडेंस का ना होना, ट्रेड का ना होना, दिस इज लिबरलिज्म। तो जरूरी नहीं है कि आप पहले थ्योरी के बारे में सोचें और फिर आप ये इस तरह अपने थिंकिंग पैटर्न को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं कि पहले आप जर्नल आर्गुमेंट जो आपके पास हैं आप उनको लिंक करें और फिर आप देखें कि आपका कौन सा आर्गुमेंट किस थ्योरेटिकल लेंथ के अंदर फिट हो रहा है। हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने ये एक एरो पर्सपेक्टिव ड्रॉ किया, इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया जाता है यूजुअली, लेकिन आपको समझाने के लिए वो डिटेल में मैंने यहाँ पर इसको वर्टिकली ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कोई हर्ज नहीं है, बट ऑब्वियसली इस तरह से उसने किताब ने किया है टू गिव इट मोर अ लुक लाइक दैट, इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया। एक इवेंट दूसरे इवेंट को स्टिमुलेट कर, ठीक है। साउथ एशिया में पीस इस वजह से नहीं है, ऑब्वियसली कि आम रेस है, इस वजह से भी नहीं है क्योंकि आपस में वो राइवल्स हैं, और इस वजह से भी नहीं है क्योंकि वहां पर कोई आपस में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस नहीं है। बट द मेन ड्राइविंग रीजन इज द परसेप्शन, एंड वट इज देयर परसेप्शन, द परसेप्शन ऑफ राइवलरी, एनिमोसिटी, हेटर, एंड दैट इज हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टिव। तो आपने यहाँ पर क्या किया, अपने एरो परस्पेक्टिव में थ्री आपकी जो मेन स्ट्रीम थेरीज थी उनको आपने लिंक कर दी, ठीक है। इसी तरह से आप वर्ल्ड वॉर वन को देखें, वर्ल्ड वॉर टू को देखें, कोल्ड वॉर को देखें, या कोई भी और इवेंट देखें, आपको रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में, लिबरलिज्म के पर्सपेक्टिव में और कंस्ट्रक्टिविज्म के पर्सपेक्टिव, तीन से चार आर्गुमेंट इधर मिल जाएंगे, तीन से चार इसके मिल जाएंगे, तीन से चार इसके मिल जाएंगे। अब जो जरूरी नहीं है कि ये चारों आर्गुमेंट रियलिज्म के स्ट्रांग हो, कोई एक आइडिया, कोई एक आर्गुमेंट ये स्ट्रांग हो, कोई एक आर्गुमेंट यहाँ स्ट्रांग हो, कोई एक आर्गुमेंट यहाँ स्ट्रांग हो, तो इस तरह से आप तीन से चार एरो पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर सकते हैं। और पर्सपेक्टिव में आप एक न्यू थ्योरेटिकल लेंथ ले सकते हैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट,
आप कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी एक एरो परस्पेक्टिव ड्रा करके बताएं ऑन वर्ल्ड वॉर वन, हाउ वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड। और अगर आप चाहते हैं किस तरह हम इसको कंटिन्यू करें तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।